हेलो दोस्तों, आज के पहले तक हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बहुत सारे कूलम लॉ, गॉस लॉ वगैरह सब चीज पढ़ लिए हैं। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इसके ऊपर हम लोग फिर से उसी तरह से 7-8 लेक्चर तक जाएंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, समझ जाओगे तो मजे आ जाएंगे। मतलब समझ लो कि मतलब आईआईटी के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, सबसे फेवरेट टॉपिक है। अगर वर्क एनर्जी पावर की बात किया जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात किया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात किया जाए, ये सारे टॉपिक बहुत ही फेवरेट हैं आईआईटी के लिए और अच्छे क्वेश्चन वो आजकल लेकर के आ रहे हैं इस पर, ठीक है। तो एक करके बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। सबसे पहले हम लोगों ने वर्क एनर्जी पढ़ा हुआ था, हम उसका ही थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, है ना। वर्क चैप्टर पढ़े थे ना, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो वर्क क्या था, अगर हम मान लेते हैं एक सिस्टम को, हम एक बॉडी को हम कुछ एस डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं और यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो फोर्स है ये फंक्शन है पोजीशन का, फंक्शन है पोजीशन का या फिर किसी तरीके से वेरिएबल है, है ना। वेलोसिटी का फंक्शन हो सकता है, टाइम का फंक्शन हो सकता है, यानी कि बेसिकली ये फोर्स वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी जगह पर इसको छोटा सा डी आर डिस्प्लेसमेंट करवा देते हैं और उसके कारण जो वर्क करना पड़ेगा हम उसको कर देंगे छोटा सा वर्क डन। तो डी डब्ल्यू जो होगा वो उस टाइप, सपोज करो ये बॉडी यहां था, इस बॉडी को यहां से हम यहां पर लेकर के गए हैं, जो फोर्स लगा है तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाया इससे, तो छोटा सा जो वर्क डन हुआ है उसे क्या बोलेंगे, छोटा सा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जो फोर्स लगाए हैं उस जगह पे डॉट ऑफ डी आर वेक्टर, है ना। वर्क भाई इतना तो पता होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर ये फोर्स कांस्टेंट होता तो सीधा सीधे डॉट कर देते हैं, अगर कांस्टेंट नहीं है तो छोटा छोटा वर्क डन निकाल करके जोड़ दो, है ना। तो अगर हम बोले कि नेट वर्क डन बताओ बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर वेक्टर, सिंपल है, वर्क डन बाय दिस फोर्स। अगर कोई यहां पर और भी तरीके के फोर्स होते तो सारे फोर्सेस का हम इसी तरह से इंटीग्रेट कर करके सॉल्व करके जोड़ लेते हैं, मेरा काम बन जाता, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे था हमारे पास सेकेंड, है ना, ये पहला चीज सबको समझ में आता है। सेकेंड के ऊपर बात कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े थे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या कहता है कि किसी सिस्टम पे, किसी सिस्टम का अगर हमको काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना है, किसी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी को अगर हमको चेंज करना है तो कहीं ना कहीं उस पर वर्क करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी में अगर हमको चेंज करना है किसी तरीके से, हम बोले कि जो वर्क नेट होगा किसी सिस्टम पर होने वाला सारे फोर्सेस के कारण जो भी वर्क किया जा रहा है वो उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम ये कह दें कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस में के आई लिख दे और ये हो गया वर्क डन, तो कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। तो हम इसी को थोड़ा अच्छे से लिख सकते थे, है ना, वर्क नेट लिख दिया यहां पर, वर्क नेट इक्वल टू के एफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से सीधा से लिख सकते हैं कि जो वर्क हो रहा है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला सबको पता है ना, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है और तो कुछ होता ही नहीं है, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी। यानी कि किसी सिस्टम के पास जितनी वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी के कारण जो भी काइनेटिक एनर्जी, जो भी उसके पास एनर्जी आ रही है उसको हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आता है। तीसरा बात, सीखने के पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना जरूरी है, लेकिन हाँ पहले अगर हम लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया है, नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुने हैं, क्या होता है अब तक समझ में नहीं आया है तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, हम हैं फिर भी अगर जानते हैं तो भाई तब तो कुछ बात लिख सकते हैं ना, कि सिस्टम का जितना भी नेट एनर्जी होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, ये पढ़े हैं कि नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो वो क्या बोलता है कि जितना एनर्जी शुरुआत में होगा
उतना ही बाद में भी हो जाएगा। जितना शुरुआत में एनर्जी होगा उतना ही बाद में भी एनर्जी होगा। और अगर ये सिस्टम पे जो वर्क किया जा रहा है किसी भी तरीके से तो वो क्या कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल कन्वर्ट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, ये कर रहा है यहां पर। और अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सॉरी जो सिस्टम है उस पर जो वर्क किया जा रहा है वो अगर किसी तरीके का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हो रहा है तो वहां पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडराइज नहीं कर सकते। इस पर ही डिस्कस करेंगे आगे, इसलिए हम कुछ कुछ बात को लिखा रहे हैं। तो पहली बात तो यह समझ लो कि हम इसको लिख सकते हैं शुरुआती पोटेंशियल एनर्जी प्लस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यूएफ प्लस में केएफ हो जाएगा, पढ़े ना। तो यहां से अगर हम लिख सकते हैं तो केएफ माइनस में केआई इज इक्वल टू यूआई माइनस में यूएफ दिख रहा होगा, केएफ माइनस में केआई यूआई माइनस में यूएफ। ये क्या दिख रहा है हमको कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है और यहां पर चेंज इन पोटेंशियल लेकिन निगेटिव में दिख रहा है। देखो यू एफ माइनस में यू आई होना चाहिए फाइनल चेंज, ये निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी में अगर इंक्रीमेंट होता है तो पोटेंशियल में डिक्रीमेंट हो जाएगा, है ना। ये देखो ये भी चेंज दिखा रहा है, ये भी चेंज दिखा रहा है, लेकिन ये चेंज कैसा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज का उल्टा, निगेटिव मतलब उल्टा। तो हम क्या बोलेंगे, डिक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी। कुछ कुछ बात तो लिख लेना चाहिए, उसके बाद ही बात करेंगे। आज बहुत मजे आने वाले हैं, अभी कुछ भी हम पढ़ाए नहीं है, अभी बस छोटा छोटा चीजें लिख लो पहले छाप लो इसको। तो अभी अभी हम लोगों ने दो तीन चीज तो सीख लिया कि जो वर्क होता है वो इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर होता है ना, पहला बात। एक और चीज सीखा कि जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, आज मैं सुन लिया इसका मतलब यही हो गया। और एक और चीज सीखा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस वर्क के जगह पे इसको तो हम इंसर्ट कर ही सकते हैं। इसका मतलब यही हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज आ रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल का जो निगेटिव है वही हमारा इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर है। तो थोड़ा और बेटर तरीके से लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर। याद कर लो इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट सा हिस्सा लिखे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन, वर्क मतलब एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर, एकदम सिंपल हो गया यहां तक बात। अब उसके आगे हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यू एफ माइनस में यू आई इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, ठीक है। हम इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिख रहे हैं, इस फॉर्मेट का मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास फोर्स हो दिया हुआ, ध्यान सुनना मेरी बात को, अगर मेरे पास फोर्स दिया हुआ है फंक्शन में, नहीं भी फंक्शन में क्या फर्क पड़ता है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का लिख सकते हैं, एक सिस्टम की पोटेंशियल हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करके अब्सॉर्व कर लेंगे। लेकिन अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ही लिखा हो तो क्या हम फोर्स लिख सकते हैं, मैं समझा रहा हूं। अगर हमको फोर्स पता हो तो फोर्स को इंसर्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, हमको चेंज निकल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन हम तुमको ये पूछ रहे हैं कि अगर हमको इस बार बताओ पोटेंशियल एनर्जी का हमको वैल्यू दे दिया है तो हम जानना चाहते हैं क्या वहां पर फोर्स हम कॉन्सेप्टलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो हमारा क्या लिखा देगा यहां पर से, इसको हम थोड़ा बेटर तरीके से सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को, ये वाला स्टेटमेंट को, इंटीग्रेशन हम नहीं लिख रहे तब हम क्या लिखेंगे इसको, डी यू इज इक्वल टू माइनस में एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं क्या। देखो तो छोटा सा डी यू, छोटा सा चेंज पोटेंशियल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर, अरे सुन। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू माइनस में डी यू अपॉन
dr। अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन पता है, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो फोर्स मिल जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, एक बात समझ लो, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है ना, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला है ना ऑफ, कह सकते हो मैकेनिक्स या यूनिवर्स कह सकते हो, है ना, पूरे यूनिवर्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है। अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है तो हम उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छी, लेकिन दिक्कत क्या है इस फॉर्मूला में, देखना ये फॉर्मूला इतना बेसिक और ये कमाल का है, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो डी आर लिखा है और आर हम जानते हैं कि पोजिशन वेक्टर होता है, और ये लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस में, है ना, अगर वेक्टर है तो वाई जे कैप और जेड के कैप लिख सकते हैं, ये आर वेक्टर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर आर में तीनों कंपोनेंट है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तो हमको फोर्स तीनों ही डायरेक्शन में मिल जाएगा अगर फोर्स वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, डेल यू, इसको क्या बोलेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप निगेटिव में, माइनस में डेल यू अपॉन डेल वाई, ये डेल है, डेल से रहना नहीं है, देखो एस होता है ना क्या, एस का पीछे से टांग सका दो, ठीक है, ये हो गया जे कैप माइनस में डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वर्क एनर्जी सिस्टम में, है ना, तो वहां पर ही हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन अभी और स्टडी करेंगे धीरे धीरे करके। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास यू फंक्शन हो एक्स का, वाई का और जेड का, तो हम उसको इसी हिसाब से डिफरेंशिएट करके फोर्स पता कर रहे थे, आज आगे भी करेंगे, लेकिन ये कुछ कुछ फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं। तीनों फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री। अगर मेरे पास फोर्स फंक्शन में दिया रहेगा तो हम पोटेंशियल का चेंज निकाल सकते हैं, अगर यू दिया रहेगा तो हम फोर्स पता कर सकते हैं, यू कैसा रहना चाहिए, आर पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, तो हम ये वाला यूज कर लेंगे, अगर यू एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा होगा तो हम इसकी बात कर लेंगे, इससे हमको एग्जैक्टली फोर्स का वेक्टर ही पता चल जाएगा, यहां से फोर्स का वेक्टर नहीं पता चलेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चलेगा, क्योंकि आर ही दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आगे बात, छाप लो, अब स्टडी कर दे आगे। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलों को देख लिया है, अब हम बात करने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कहां पर और कैसे कॉन्सेप्चुलाइज किया जाता है, ठीक है, एक एक करके बात करना, बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम कुछ सिचुएशन को दिखाना चाहते हैं, उसको एनालाइज करना और देखना, क्योंकि लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं हम लोग पोटेंशियल वर्क में पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब देखते हैं यहां पर क्या क्या स्थिति है। तो हमारे पास दो सिचुएशन है, हम दोनों सिचुएशन को एनालाइज करना चाहते हैं, देखते तुम लोग बस पकड़ कर रखना दोनों सिचुएशन को, पकड़ लिए, ओके, क्या बात है। एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर हम एक फोर्स लगा दिए हैं और कुछ एस डिस्प्लेसमेंट हम करवा रहे हैं, इसको फोर्स लगाए हैं और एस डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, सरफेस जो है फ्रिक्शनल है, म्यू है, प्रेजेंट है, तो बताओ क्या होगा, या फिर चलो फोर्स भी नहीं लगा है, हम बोल देते हैं इसके पास शुरुआत में कुछ स्पीड है, यू है दिया हुआ इनिशियल स्पीड, और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, यानी शुरुआत में कुछ एनर्जी दे करके या इंपल्स दे करके उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये यहां से चलते रह जाएगा जिंदगी भर के लिए, फ्रिक्शन क्या ना, फ्रिक्शन है, ये रोकेगा उस बॉडी को, इसके मोशन को रोक देगा, अल्टीमेटली रुक जाएगा, कुछ देर के बाद ये चलते 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 स्पीड घटती 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 फाइनली यहां पर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी ये बॉडी, इसकी स्पीड हो जाएगी जीरो। अरे उसमें जो वर्क यहां पर आ रहा है, जो वर्क डन किया जा रहा है वो कौन कर रहा है बता दो, वर्क जितना भी हो रहा है यहां पर तो सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रिक्शनल फोर्स, और वो अपोज कर रहा है इसके मोशन को, यानी कि हम कह देंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा था इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था फ्रिक्शनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, और फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट है, देखो ध्यान से, ये कांस्टेंट फोर्स हो जाएगा म्यू इनटू एम,
ये तो कॉन्स्टेंट है ना, तो सीधा सी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वर्क जो हो रहा है यहाँ पर कम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा है, ये बात तो समझ में आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा है। तो वर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे लेकिन निगेटिव के साथ में, तो फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वर्क डन। और इसने क्या किया देखो, इसके चेंज काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया, शुरुआत में कुछ था बाद में जीरो कर दिया, होना भी चाहिए था ना, वर्क का काम ही तो है, काइनेटिक एनर्जी को बदल दिया है यहां पर। अगले सिचुएशन की तरफ ध्यान से देखना, अगला सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करते हैं मेरे पास एक इसको हटा दे रहे हैं, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तुम लोग का फेवरेट है ना, ये रहा एक ब्लॉक जिसका मास है m और ये इसका मीन पोजीशन भी हम डिफाइन कर दिए, यानी कि ये न्यूट्रल कंडीशन पे अनस्ट्रेस्ड कंडीशन पे जिस तरह का दिखा रहे हैं वैसा ही दिख रहा है ना, ऐसा ही। और हमको पता है कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, kx होता है मैग्नीट्यूड में, है ना, अगर तुम डिस्प्लेस आगे करोगे तो फिर स्प्रिंग फोर्स पीछे लग जाता है, ये सब पढ़े हैं हम लोग। अगर अब हम बोले कि ये मीन पोजिशन था, इसके बाद हम क्या किए, इसको थोड़ा स्ट्रेच किए यहां तक लेकर के आए इस बॉडी को, और यहां पर से यहां पर भी रेस्ट में है, यहां पर भी रेस्ट में है, तो क्या होगा, हम अगर छोड़ देंगे यहां से, है ना, इसको खींच लीजिए सेकंड को, इस स्प्रिंग ब्लॉक को हम ऐसे खींच लिया और छोड़ दिए, तो क्या होगा, रेस्ट में है, अब फोर्स लगेगा इधर की तरफ, देखो फोर्स इधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, जिस कारण से फोर्स लगने का मतलब क्या होता है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करवाता है वो, जिस डायरेक्शन में देखो ये फोर्स इधर लग रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, हम डिस्प्लेस भले इधर करवाए थे किसी एक्स डिस्टेंस से, फोर्स इधर लग रहा है, बताओ क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी और ये बॉडी जब यहां पहुंचेगा तो मैक्सिमम स्पीड से चलने लगेगा, तो जब भी मैक्स हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगा, इस जगह पे कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी हो चुका है, अपने मीन पोजीशन में पहुंच चुका है, इसके बाद क्या होगा कि इस वेलोसिटी के कारण उसके पास इतनी इनर्सिया आ चुकी होगी कि वो अपने मोशन को कंटिन्यू कर पाए और ये स्प्रिंग को अब कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा, कंप्रेस करेगा तो ध्यान सुनना, कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, जैसे ही यहां पहुंच जाएगा थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉक यहां पहुंच गया अपने इस लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, तब इधर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा और यहां पर ये फिर से रेस्ट में आ जाएगा। हम दो सिचुएशन के ही ऊपर बात कर रहे थे, अब देखो ये चलते रहेगा ना, इस तरह का मोशन करते रहेगा और इसी को हम लोग बोलते थे ऑसिलेटरी मोशन है अगर एक्स या फिर एसएचएम है, चलो ठीक है। इसमें क्या कमाल का बात ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसमें क्या कमाल का बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों में देखना ध्यान से, यहां पर भी वर्क निकाल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, यहां पर भी वर्क निकालते हैं, क्या हो जाएगा, फोर्स देखो फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ, तो अगेन लेकिन फोर्स खुद फंक्शन है एक्स का, देखो ध्यान से फोर्स फंक्शन है एक्स का, तो हमको यहां पर छोटा छोटा वर्ग नहीं पता कर सकते थे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको डी एक्स के साथ में, क्योंकि हम एक्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो फोर्स के जगह लिखेंगे के एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन निगेटिव में, क्यों, क्योंकि देखो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो जो वर्क आएगा वो तो हमारा ऐसा आ जाना चाहिए, तो ये कितना हो गया देखो, तो यहां ध्यान से के एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस में, इतना यहां पर वर्क डन हो रहा है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, वर्क कितना हो रहा है नहीं हो रहा है एनालाइज करना चाहते हैं। अब देखो ध्यान से, मजे आने वाले तुम लोग से, जो पहला सवाल हम पूछ रहे हैं वो यही है कि बताओ कि जब ये मैक्सिमम स्पीड रिजल्ट आते यहां पर गेंदे जिसका क्या था, मैक्सिमम था के, मैक्सिमम था, यहां पर के का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो चुका है, दिख रहा है क्या, चलो तो दिख रहा है, ठीक है, तो अगर हम बोल दें यहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चल रहा था और जीरो हो चुका है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज दिख रहा है और काइनेटिक एनर्जी में चेंज करवाया है इस फोर्स ने, हम बस तुमसे एक बात कर पूछना चाहते, क्या इस जीरो से हम ये अपने आप ये मैक्सिमम हो सकता है, अपने आप, हम कुछ नहीं कर रहे,
ये नहीं कि हमको एक्स्ट्रा कोई फोर्स लगाना पड़े, या फिर हम ये करना चाहते हैं कि फ्रिक्शन ही कुछ ऐसा जादू कर दे कि वे फ्रिक्शन अपने आप उल्टा कर ले अपने आप को, कुछ भी करे वो, हमको इससे कोई मतलब नहीं। तुम ही हो, तुमने कहीं कम किया है, तब तुम्हारा ही जिम्मेदारी है कि तुम इसको फिर से मैक्सिमम करो। क्या पॉसिबल है? बचपन में कभी कभी पेड़ पे चढ़ जाते थे, याद है? पेड़ पे चढ़े हो? कितने लोग चढ़े हो? नहीं चढ़े हो? अच्छा, जो लोग चढ़े हो वो फील करना। चढ़ जाने के बाद ऊपर से जब नीचे देखते हैं, अरे ये तो बहुत गहरा है, अब डर लग रहा है, अब उतरे कैसे? तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे उस टाइम पर बहुत सरकास्टिक होते थे, जैसे चढ़े हो वैसे उतर जा। बहुत गुस्सा आता है उस टाइम पे। यही हो रहा है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। जैसे कैनेडा का जी घटा है वैसे इसका बढ़ा दो। क्या पॉसिबल है? अपने आप ये बॉडी का वेलोसिटी फिर से बढ़ सकता है क्या? अपने आप? हम कोई नया फोर्स नहीं लगाना चाहते तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। फ्रिक्शन ने क्या किया? ऐसे ऐसा वर्क किया है इसके ऊपर, किसी कैनेडा ने तो घटाया है, मगर काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ है उस लॉस को इसने कहां भेज दिया? उस लॉस को, पहले लॉस दिख रहा है ना, उस लॉस को इसने क्या किया? या तो साउंड में कन्वर्ट कर दिया। कहां कहां कन्वर्ट किया? देखो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहां पहुंचा है? या तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, या हीट में निकल गया होगा, सरफेस हीट कर गया होगा, रेडिएट कर रहा होगा कुछ। जब तुम देखते होगे कि घसाड़ता है तो वहां पर कुछ लाइट स्पार्क वगैरह भी निकल, लाइट वगैरह भी निकलता है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहे होंगे। कोई भी इस तरीके का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन नहीं दिख रहा है हमको, सारे के सारे नॉन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन दिख रहा है ना? तो हम क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंट इन नॉन मैकेनिकल एनर्जी, ये हमको ऑब्जर्व हो रहा है कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो नॉन मैकेनिकल एनर्जी के इंक्रीमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इससे यही देखें कि इस लॉस को हम कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे, ये जो इंक्रीमेंट है इसको हम कहां ढूंढेंगे? भाई साउंड का एनर्जी पार हो गया, हम इस फॉर्म को फिर से रिस्टोर नहीं कर सकते, ठीक है? यहां पर नहीं हुआ, और इसीलिए इस तरह के फोर्स को, जो फोर्स था इसको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्सेस। दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और इस कंडीशन पे हम यही बात कर सकते थे, इसीलिए इतना ही बात किए हैं, इसीलिए यही है। आगे देखते हैं, ठीक है, क्या सर खा दिए? वो बहुत बड़का तोहफा मार दी सर ने। हाँ देखिए ना सर, यहां पर क्या हुआ कि रेस्ट में था बॉडी, मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव किया है, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन वही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीमेंट अपने आप फिर डिक्रीमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। ये कैसे हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट भी हो रहा है, अपने आप डिक्रीमेंट भी हो रहा है, सारा काम वो स्प्रिंग भी कर रहा है। आखिर कुछ तो यहां पर हो रहा है स्पेशल कि काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट करवा रहा है वही कहीं ना कहीं फिर डिक्रीमेंट भी करवा दे रहा है उसका। दिख रहा है क्या? काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ जीरो स्टार्ट किया था ना, इसमें स्टार्ट किए थे, ये पोजीशन से हमने खींच करके स्टार्ट किया, यहाँ मोशन हमने यहाँ से मोशन को स्टार्ट किया है। और जब हम स्टार्ट किए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट दिखा, और वो इंक्रीमेंट अपने आप फिर घट करके जीरो भी हुआ, और ये सारा काम भी इसी फोर्स ने किया, इसी स्प्रिंग फोर्स ने किया। तो क्या किया, क्या किया? फिर से देखो, जीरो था, यहां रेस्ट में आया, तो फिर यहां देखो मैक्सिमम वेलोसिटी चलने लगेगा, आकर के के मैक्स हो जाएगा, और फिर इसी चलते चलते फिर यहां पर जीरो हो जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी वैल्यू अगर घट रहा है तो कुछ तो है, कि बात सीधी बात है कि देखो काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीमेंट हुआ है, अरे नहीं समझ में आ रहा, अरे जीरो था यहां मैक्सिमम हो चुका, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा ना, यहां पर जीरो था काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और यहां पर आ गया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुका है, तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट दिखा। यहां पर मान लो जीरो जूल है, यहां पर दस जूल है, तो भाई बढ़ा ना, जीरो से दस हुआ ना, तो काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट है वो घट गया। अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो लॉस था
वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है जो कि इंस्टेंट हमको वो फिर से प्रोवाइड कर रहा है ताकि फिर से उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया जा सके। फिर समझो मेरी बात को, मेरे पॉकेट में जीरो से लेकर के 100 रुपया आया और जब हम खर्च करने के लिए गए 100 से फिर जीरो किए तो हमने ऐसा सामान खरीदा कि फिर हम उसको बेच करके फिर से हम 100 रुपया कमा सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। हम ऐसे सामान में ही इन्वेस्ट किए जिससे कि हम 100 रुपया खर्च किए लेकिन डिक्रीमेंट ऑफ मनी दिखा, उससे हमको इंक्रीमेंट ऑफ कुछ यूटेंसिल्स दिखे। अब फिर जब हमने उन यूटेंसिल्स को फिर से सोल्ड किया तो फिर से हमको इंक्रीमेंट ऑफ मनी दिख गया। यानी कहीं ना कहीं जो एनर्जी का जो लॉस है वो इस फॉर्म में है कि हम उसका इंस्टेंट यूज भी कर सकते हैं यहां पर। तो जो कैटेगरी यहां पर जो डिक्रीमेंट दिखा वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फॉर्म में एक इंक्रीमेंट दिख रहा है यहां पर जो कि इंस्टेंट यहां पर इसको प्रोवाइड कर रहा है और हम उसी फॉर्म को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो इस स्प्रिंग में स्टोर हो रहा था। ठीक है, तो हम क्या यहां पर ऑब्जर्व किए कि जो यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है या फिर हम कह सकते हैं कि डिक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीमेंट इन मैकेनिकल एनर्जी एंड इट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत है? तो इस तरह के फोर्स ने जिसने ये काम किया कि एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करवाया एनर्जी को जिसे कि हम इंस्टेंट उस एनर्जी का यूज कर सकते हैं फिर से काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी घट गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है, अगर हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। तो ये सारा काम यही फोर्स करवा रहा है। तो इस फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको? तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्सेस। और इस फोर्स के कारण हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हम यहां पर एक स्टोरेज एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं जो कि काइनेटिक जो लॉस हो रहा है उसको वो स्टोर कर ले, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं यहां पर। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? कॉपी करो, आगे स्टडी कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने, अच्छा चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर बात नहीं समझ में आए तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी है, इसको हम किसी यू स्पीड से फेंक रहे हैं तो इसके पास कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम दिख रहा है हमको। और इस बॉडी को अगर हम फेंकेंगे तो ये यहां पर आकर के रेस्ट में आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट अचीव करके रेस्ट में आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया यहां पर? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीमेंट हो रहा है, देखो मैक्सिमम से जीरो पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं ये बात कि थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये बॉडी, अच्छा यहां पर ये क्यों जीरो हुआ ये ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या? क्योंकि इस बॉडी का वेट नीचे लग रहा होता है, इसको बोलते हैं mg, और वर्क हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ। देखो फोर्स लग रहा है नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg है, और ये बॉडी जा रहा है ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर की तरफ। यहां पर यही फोर्स एक्टिंग है। तो ये फोर्स किस तरह का है हम इसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो यहां ध्यान से, जैसे ही जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? इसके बाद का मोशन क्या होगा? फिर से गिरेगा, फिर से काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा, सॉरी इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या देखे कि ये अपने आप अपने मोशन को रिस्टोर भी कर गया, अब फिर से यहां पर यू स्पीड से गिरेगा। तो हम यहां पर फिर से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस फोर्स ने क्या किया कि जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस था उसको कहीं ना कहीं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करवा दिया, जिसको हम जानते थे यहां पर mgh। ऐसा क्या पहुंचा? इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो चुका है, जिसकी वैल्यू हो चुकी है mg और h मैक्सिमम हाइट। और जब ये मैक्सिमम एनर्जी तब स्टोर हो चुका था, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो चुका है, ये देखो ये क्या हो चुका है, ये मैक्सिमम हो चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब है कि दुनिया में कोई भी सिस्टम चाहता है इको रे क्या देखना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, वो
करेगा अपने आप. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर है ये. अगर हम लोग स्टडी ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो वो चाहता है कि द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ठीक है ठीक है, ये चाहता है कि कोई सिस्टम की पोटेंशियल क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए. जितना तेज करवा सकते हो, जितना स्पीड से करवा सकते हो उससे पोटेंशियल. इसीलिए यहां पर पहला बात समझ में आया, जो चाहता है कि मेरी पोटेंशियल बहुत कम हो जाए, तो वो यहां मैक्सिमम दिख रहा है. तो ये चाहेगा कि जितना जल्दी इसका पोटेंशियल मिनिमम हो जाए, ये पोटेंशियल को घटाने के लिए नीचे लेकर के आएगा ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाए. आया समझ में? ये बेसिक सा चीज है. अब ये चाहता है कि उसकी पोटेंशियल क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए. तो सवाल यही है, पहला सवाल यही है कि ये एनर्जी नीचे ही क्यों लगता है, इधर इधर क्यों नहीं लगता है. ठीक है, इससे हमको एक बात और समझ में आएगा कि कुछ नहीं समझ में आएगा. अर्थ है, हम ये कहते हैं कि एक बॉडी हर समय फोर्स से ही लगाता है, अपने तरफ ही सेंटर की तरफ ही खींचता है. क्यों खींचता है? अगर मान लो कि वो फोर्स ऐसे लगा दे तब क्या हो जाएगा? तब उसको समझना बात को, एक तो यहां से आता है कट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और अगर वो ऐसे जाएगा तो ज्यादा डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तब उसकी पोटेंशियल कम हो जाएगी. तो बताओ कौन सा पाथ वो ऑब्जर्व करेगा? नहीं समझा बात. अगर मान लो कि ये इस जगह इस लेवल पे आना चाहता है, तो अगर वो किसी एंगल पर जाएगा तो उसको ये डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, या तो कुछ भी करना पड़ेगा. तो यही शॉर्टेस्ट मिनिमम पाथ दिख रहा है हमको, इसीलिए वो इसी लाइन में ही फोर्स लगाता है जिससे कुछ सबसे जल्दी से पोटेंशियल कम करवा सकता है. इसीलिए हर सारा जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स में ही हमको पोटेंशियल स्टडी कर सकते हैं, वो सेंट्रल फोर्स होते हैं. ठीक है, तो पहला बात क्या समझ में है? कि सारा जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, इसका मतलब एक सेंटर की तरफ लगता है. ठीक है, दूसरा बात यही सीखे कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके लिए ही हम लोग पोटेंशियल जीरो कॉन्सेप्टलाइज कर सकते हैं. तो क्या समझ में आया कि ऑल क्या था जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना, ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस सच दैट इट मेक्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. ये नेचर का सबसे बेसिक सा रूल है हम कह सकते हैं. और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही एप्लीकेबल है, ये बात भी अब समझ में आ चुका है. क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है कि क्या समझना है, ये पोटेंशियल एनर्जी ओनली कॉन्सेप्चुलाइज फॉर फॉर किसके लिए जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी को हम कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं. एकदम क्लियर हो गया, सिंपल बात था, कोई तकलीफ तो नहीं था. इसीलिए हम लोग पहला बात अब से स्टडी करेंगे, सारा पीछे का भी स्टडी करवा दिए, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिक फोर्स वाला जो फोर्स है उसके कारण हम लोग पोटेंशियल की बात कर सकते हैं. क्या हम बोले फिर सुन लो, समझ में नहीं आया वो जोड़ा हुआ नहीं. इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम्बिक जो फोर्स है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है.
और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी कंजर्वेटिव फील्ड है, इसीलिए वहां पर हम लोग पोटेंशियल कॉन्सेप्ट करवाएंगे और इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया बात, सिंपल है एकदम, अच्छे से छाप लो, आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, ये दो तरीके का होता है, दो तरह का होता है। पहला होता है इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा होता है सेल्फ एनर्जी, ठीक है, सेल्फ एनर्जी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरेक्शन पोटेंशियल के बारे में, यानी कि एक चार्ज है दूसरे के इंटरेक्शन में आया है, तब हम स्टडी करेंगे, कोई दिक्कत है? तो चलो स्टार्ट करते हैं यहीं पर। मान लेते हैं यहां पर हमने एक चार्ज है ना, तो ठीक है क्यू ही रखा, ठीक है, एक चार्ज क्यू रखा है, और यहां पर एक चार्ज स्मॉल क्यू रखा है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा बात, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस हम कह रहे हैं आर है, ठीक है, एक इस पोजीशन पे लाके रख दिए हम। इसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को एक एक करके, इस चार्ज को हम उठा करके मतलब R1 पर रखते हैं, R2 पे लेके जाते हैं, नहीं समझा बात, हम इस चार्ज को उठा करके, देखना ध्यान से, ये क्यों था यहां पर लेकर के रखे हैं क्यू पोजीशन पे, ये था हमारा कोई R1 पोजीशन, और यहां से उठा करके हम इसको R2 पोजीशन पे लेके जाते हैं, कहां लेके जाते हैं R2 पोजीशन पे, एकदम सिंपल बात समझना, अगर हम इसको R1 से उठा करके R2 पोजीशन पे लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, ये तो भाई सेम तरह का चार्ज है, हम जब बोल दिए चार्ज है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, एकदम दिमाग में बैठा लो, है ना, तो ये इसको रिपेल तो कर ही रहा होगा, और हम देखो इसके रिपल्सिव फोर्स के डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं इसको, कितना अच्छा बात है ना, तो फोर्स इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेस भी हम उधर ही करवा रहे हैं, हम एक काम करते हैं कि किसी जगह पे हम जब यहां पहुंचे हैं यहां पर, ठीक है, हम इसको आर बोलते हैं, चलो ठीक है, हम यहां पर इसको लेते हैं एक्स वन से लेकर के एक्स टू तक लेके जा रहे हैं, और हम किसी जगह एक्स पर जब थे तो यहां पर फोर्स हमको इधर दिखा, है ना, जब हम इस चार्ज को उठा करके, देखना ध्यान से, इस चार्ज को उठा करके हम इस जगह से उठा कर ऐसे यही स्टार्ट किए जाना लेकर के, ऐसे लेके जा रहे जा रहे जा रहे तो दूर तक लेके जा रहे, लेकिन हम एक दो पोजीशन के ऊपर बैठ गए, हम बोले कि ठीक है हम यहां से स्टार्ट करते, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते, हम तो लेके जा रहे यहां से ही इनफिनिटी तक, लेकिन हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं यहां से लेकर यहां तक में क्या हो रहा है। तो जब ये एक्स वन पोजिशन पे था से एक्स टू पोजिशन पर हम आंख लगा करके बैठ के देख रहे हैं, तो हम किसी एक्स पर पहुंच करके देखें कि भाई फोर्स इधर ही लग रहा है, तो वर्क कितना किया है, तो क्या ये फोर्स, पहले बात करो कि फोर्स है कितना, किसी एक्स पोजिशन है फोर्स कितना, एक्स पोजिशन पे कितना है, तो क्या बोले कि पहला चार्ज है ना यहां पर, जब ये चार्ज पहुंच चुका होगा क्यू, तो इस दोनों के इंटरेक्शन फोर्स लगाएंगे क्यू क्यू अपॉन इस दोनों के डिस्टेंस एक्स है, एक्स का स्क्वायर, और इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स अगर हमको पता चल गया है तो वर्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि फोर्स भी इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो हम इधर ही करवा रहे हैं, हम मान लेते छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवा देते हैं, तो बोलोगे छोटा कहे करवाते हैं सर, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए ना फोर्स को इसके पोटेंशियल सर डिफरेंस से, मल्टीप्लाई निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि फोर्स देखो डिपेंड कर गया एक्स पे, फंक्शन एक्स का, जब फंक्शन रहेगा तो हम वहां पर क्या करेंगे, हवन है, हवन नहीं करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है सॉरी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, छोटा छोटा वर्क डन निकाल करके जोड़ना पड़ेगा फिर यहां से यहां तक में, समझ में आ रही, और हम एक बात और जानते हैं, है ना, इसको हटा दे रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, तो अगर हम बात करें इस तरह के कंडीशन के ऊपर,
तो बता दो कि चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, निगेटिव ऑफ बर्डन होता है, ये तो पढ़ चुके हैं ना। और इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, निगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी एक्स वेक्टर, क्योंकि छोटा छोटा वर्क करेंगे उसको ऐड कर लेंगे। तो देखो निगेटिव ऑफ वर्क डन कितना आ रहा है, निगेटिव ऑफ फोर्स कितना आ रहा है, देखो तो यहां पर के क्यू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अरे उस समय कहां से आते ले जा रहे हैं इसको, एक्स वन से लेकर के एक्स टू तक में ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर हम सॉल्व करें इसको तो क्या दिख रहा है हमको, माइनस में के क्यू क्यू बाहर आ जाएगा क्या, और एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेट करोगे तो क्या जाएगा, माइनस में वन अपॉन एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, माइनस में वन अपॉन एक्स हो जाएगा एक्स वन से लेकर के एक्स टू तक। अब हम सॉल्व करते हैं तो ये देखो पहले एक्स टू पुट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा और एक्स वन पुट करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस में के क्यू क्यू वन अपॉन एक्स वन माइनस वन अपॉन एक्स टू। ठीक है, ये क्या हो गया माइनस वन अपॉन एक्स वन माइनस में एक्स वन एक्स टू। हम इसको माइनस को भी अंदर भेज देंगे तो क्या दिख रहा है हमको, के क्यू क्यू अपॉन एक्स टू माइनस में के क्यू क्यू अपॉन एक्स वन। अब हम इधर देखो ये क्या लिख रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या लिख सकते हैं कि फाइनल माइनस में इनिशियल यू एफ माइनस में यू आई, फाइनली कहां पहुंचा, एक्स टू पर पहुंचा है क्या, तो यू एट एक्स टू माइनस में यू एट एक्स वन ये हो रहा है, यानी यू एट एक्स टू माइनस में यू एट एक्स वन हमने क्या ऑब्जर्व किया, यही ऑब्जर्व किया। तो कुछ ऑब्जर्व करके तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये ऑब्जर्व करके हम यही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ऑब्जर्व हुआ है वही ऑब्जर्व नहीं हुआ। चलो देखो क्या एक्स टू पोजिशन, देखो ऑब्जर्व एक्स टू पोजिशन की पोटेंशियल ये है, एक्स वन पोजिशन की पोटेंशियल ये है, कमाल हो गया ना। यानी कि किसी भी जगह पर इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी हम अगर बोल देंगे यू एट एक्स पोजिशन पे क्या आ रहा होगा, तो बोल देंगे के क्यू क्यू अपॉन एक्स, कितना आसान हो गया। नहीं समझना एक्स टू पोजिशन पे ये आ रहा है, एक्स वन पोजिशन पे ये आ रहा है, किसी एक जगह पे कितना आएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम एक काम करते हैं, नहीं समझ पाते, अगर हम एक रेफरेंस बनाते हैं, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कोई चीज का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं चल सकता, हमें नहीं पता पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं पता। ठीक है, हम रेफरेंस बनाते हैं कि बोलते हैं यहां का पोटेंशियल मान लो कि कुछ हो है, तब दूसरे का बताओ क्या होगा। ठीक है, नहीं समझ पाते, हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पता नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हम एक काम करेंगे कि कोई एक रेफरेंस बना लेंगे, हम मान लेंगे कि इस जगह पर या इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए या फिर ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए हम ऐसा मानते हैं कि पोटेंशियल इन्फिनिटी सिचुएशन पे जीरो हो जाता है। अब इसको लॉजिकली भी सोचो कि मान लेते हैं कि चार्ज हमारा इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है तो फोर्स नहीं लग रहा होगा, और जब फोर्स नहीं लगेगा तो वहां से अगर हम मान लो कि यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, वहां से जब फोर्स नहीं लग रहा तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर कुछ होगा पोटेंशियल, कुछ नहीं जीरो, बस हम ऐसे दिमाग लगा दिए। तो हमने मान लिया, टेक कर लिया कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी सिचुएशन जीरो है। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इस पिक्चर को हम आगे बढ़ाते, कॉपी कर लो यहां तक। हम एक काम करते हैं कि इस चार्ज को उठा करके हम इन्फिनिटी पर ही भेज देते हैं, इस चार्ज को उठा करके हम इन्फिनिटी पर ही भेज दे रहे हैं, तब क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है, यहां पर पोटेंशियल हमको निकालना है, इस जगह पे हम वर्क करते हैं, इसको लेके जाते हैं तो कुछ तो काम करना पड़ेगा, हम वो वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा पोटेंशियल यहां आ जाएगा। नहीं समझा बात, तो हमको पता है चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, निगेटिव ऑफ एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर होता है, अब तो भाई दोस्ती हो गया होगा इससे, है ना। तो माइनस में एफ किसी जगह पे हम बात कर रहे हैं, ये आर डिस्टेंस है ना, ठीक है, हम यहां पर बात कर रहे हैं किसी एक्स डिस्टेंस पर, और इसको थोड़ा डीएक्स से डिस्प्लेस करवाए, है ना। नहीं समझ रहा, जब ये चार्ज जा रहा था इसी रास्ते से इन्फिनिटी की ओर, तो कभी तो यहां पहुंचा होगा ना एक्स पोजिशन पे, फिर थोड़ा डीएक्स डिस्टेंस आगे पहुंचा होगा, यहां से अंदर पहुंचने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, तो एफ डॉट डी आर, वही तो लिख दिए एफ मतलब के क्यू क्यू
अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर देंगे, और एक्स का वैल्यू क्या है आर से लेकर के इंफिनिटी तक है। और यहां पर हम बात कर लेंगे, अच्छा यहां पहले लिखते थे डेल्टा यू, बाद में देख लिया जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको तो वैसे ही हो जाएगा, माइनस में के क्यू क्यू बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन एक्स आर से लेकर के इंफिनिटी तक बात कर रहे हैं, और ये हो गया हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा चेंज इन पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं हम लोग, यू फाइनल माइनस में यू इनिशियल लिख सकते हैं ना, है ना, यू फाइनल माइनस में यू इनिशियल। तो फाइनली कहां पहुंच गया देखो, तो इन्फिनिटी में पहुंचा है क्या, और शुरुआत में किसी आर जगह पर है, तो माइनस में के क्यू क्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे और आर पुट करेंगे, तो पहले आर पुट कर लेते हैं माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अरे ये तो जीरो हो गया जी, तो क्या मिला, u एट इन्फिनिटी में हम लोग माने हैं जीरो, u एट r इक्वल टू क्या हो गया माइनस में के क्यू क्यू अपॉन r हो गया। तो साफ दिख रहा है किसी r पोजीशन पे हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है के क्यू क्यू अपॉन r, x जगह पे हम इतना पहले भी बता दिए ऑब्जर्वेशन से, और हमने प्रूफ से भी निकाल दिया कि भाई हम ये प्रूफ नहीं है, ये तब है जबकि हम ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पर हम मान के रखे जीरो है। हमारे सिलेबस में अभी तक का तो ऐसा ही है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है हर बार ये जीरो ही रहेगा, कुछ और भी दे देगा। बेसिक बात ये दिया है बस, सब बात याद रख लो, यही चीज है जो है, बाकी दुनिया में सब ठीक ठाक, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह जो भी आ रहे हैं सब, हम इसको थोड़ा और बेटर तरीके से लेके जाते हैं, ठीक है। सब लोग पोटेंशियल किसी भी जगह पे इंटरेक्टिंग इस दोनों चार्ज के कारण इस जगह पर पोटेंशियल कितना है, इतना है, ठीक है। और हमको ये दिख रहा है कि अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, देखो ध्यान से, अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है और ये आर है पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है ना, और हमारा जो यूनिवर्स का जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि वो कहता कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल वो बोला नहीं है, हाँ तो प्रिंसिपल ये कहता है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, हमको दिख रहा है पॉजिटिव, तो हम एक काम करवा सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करवा सकते हैं। मिनिमम करवाने के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, वहां से अगर जीरो की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट दिखेगा, सुनते जाना मेरी बात को खाली, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है और हम चाहते हैं ये मिनिमम हो जाए, मिनिमम होकर कहां पहुंचेगा जीरो, निगेटिव यही तो हो सकता है, लेकिन जीरो ही पहुंचने के लिए उसको इन्फिनिटी पहुंचना पड़ेगा। इसका मतलब यह है ये इन्फिनिटी की तरफ, पहले बात गड़बड़ा दीजिए, अरे क्या हुआ ये सुनो मेरी बात को ध्यान से, बहुत बड़ा चीज ऑब्जर्व हुआ, देखो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को क्या होना चाहिए मिनिमम, और अगर ये मिनिमम होना चाहता है तो ये चार्ज को इस जगह से उठ करके इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, और इसीलिए दो सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। समझ में आया क्यों दो चार्ज हमारा जो सिमिलर चार्ज होता है रिपेल कर रहा है, देख लो ध्यान से, हम कुछ नहीं बोले अपने आप हो गया, क्यों दो चार्ज रिपेल कर रहा है उसका आंसर यह है कि पोटेंशियल एनर्जी चाहता है मिनिमम हो जाए, जिसके कारण से वो यहां से उठ करके इन्फिनिटी की तरफ रीच करेगा। कमाल हो गया है ना, तो सर प्लस सर माइनस का ही अटैक करता है। ओके पहले टॉपिक करो, तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहां पर हमारे पास कोई प्लस चार्ज था और यहां पर हमारे पास माइनस चार्ज है, अच्छा ये कभी देखा था, अभी देख रहे हैं, इस दोनों के बीच में क्या होगा, ये तो अट्रैक्ट होना चाह रहा है सर, क्यों होना चाह रहा है सर, देखो ना सर, अगर हम एक काम करते हैं यहां पर अट्रैक्ट करवा रहे हैं तो हम क्या बोल देते हैं इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो है, अगर हम एक काम करते इसको छोड़ देते हैं यहां पर नहीं रखते, हम इन्फिनिटी पर ही रखते, यहां पर पोटेंशियल क्या है जीरो है, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो बन रहा है वो क्या है, देखो के क्यू क्यू अपॉन आर है ना। अगर हम एक काम करें यहां पर हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, अगर प्लस और माइनस होता चार्ज तब क्या होता, ऑब्जर्व करना इस बार, अच्छा जो यहां नहीं हम यहीं पर रखते हैं, निगेटिव ही चार्ज रखते हैं, क्यू यहां पर रखते हैं, स्मॉल क्यू रखते हैं, तब क्या होता, इस चार्ज को उठाकर के हम इन्फिनिटी की तरफ भेज रहे हैं, ठीक खुश हो गया। तो अब बताओ क्या होगा, किसी जगह पर जब हम जाएंगे तो वहां फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा,
क्यू क्यू प्लस माइनस है, एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा हो इधर, डिस्प्लेस हम इधर करवा रहे हैं, वर्क निगेटिव हो जाएगा। और वर्क जब निगेटिव हो जाएगा तो चेंज इन पोटेंशियल क्या लिखेगा, माइनस में एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर लिखेंगे ना जी। और फोर्स तो देखो इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यहां पर हमको लिखेगा माइनस ऑफ माइनस में इंटीग्रल ऑफ के क्यू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा बात, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एफ डॉट डी आर करोगे तो एफ डी आर कॉस थीटा लिखोगे ना, कॉस 180 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, वो कॉस 180 डिग्री माइनस हो रहा था, तो माइनस यहाँ पर दिखेगा। इस कंडीशन पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो किसी आर पोजिशन पर आ जाएगा वो तो माइनस में आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो इस कंडीशन में जब उसको इंटीग्रेट वगैरह करोगे तो निगेटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि हमने देखा था पॉजिटिव वगैरह आ रहा था, यहाँ पर माइनस था सिर्फ, यहाँ पर दो माइनस हो रहा था, प्लस बन जाएगा, ये प्लस बनेगा, इधर का माइनस इधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। इस चक्कर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पोटेंशियल ये हमारा निगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब एक बात और समझो, हम इस निगेटिव को हम बार बार यूज नहीं करना चाहते, हम एक काम करते हैं, निगेटिव है एनर्जी साइन के साथ में ले लो ना, कितना अच्छा बात है, एक प्लस और माइनस तो निगेटिव अपने आप दिखेगा, दोनों माइनस हो गया तो यहां प्लस दिखेगा, तब रिपल्जन दिखेगा, और अगर यहां माइनस रहा यहां प्लस रहा तब भी हम प्लस माइनस यूज कर लेंगे पोटेंशियल एक फॉर्मूले में, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस यूज करेंगे, यानी कि जब हम पोटेंशियल निकालने लगेंगे तो साइन को भी ले लेंगे। ठीक है, जब हम पोटेंशियल निकालने लगेंगे तो साइन को ले लेंगे, तो हमको अपने आप यहां पर साइन दिखेगा। ठीक है, तो हमको ये टेंशन नहीं रहेगा फिर कि प्लस है कि माइनस है, टेंशन उतना नहीं लेना। इससे हम कमाल का क्या बात ऑब्जर्व की है कि हमको पोटेंशियल किसी आर जगह पे निगेटिव दिख रहा है, क्या दिख रहा है, निगेटिव निगेटिव दिख रहा है, और हम एक काम कर रहे हैं कि इन्फिनिटी पर इस चार्ज को रख दिए। अब ध्यान समझ में आया बात कि नहीं आया, ये तो सिचुएशन था, आप इन्फिनिटी पर लेके जा रहे थे, ठीक है उसके लिए निकाल दिए, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि इस जगह पे ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है जी। तो देखो ध्यान से, इन्फिनिटी पर रखे और ये क्यू है, ये प्लस क्यू है, हम चाहते हैं इस क्यू चार्ज को यहां पर रख करके छोड़ दें, क्या होगा, यहां पर अभी जीरो है क्या पोटेंशियल जी, यहां पोटेंशियल जी क्या है, जीरो है, यू एट इन्फिनिटी क्या मिल रहा है, वो जीरो। ये यहां से ऐसे छोड़ेंगे कि क्या चाहेगा, मेरा पोटेंशियल एनर्जी बस कम करवा दो, मेरी मर्जी है ना, हमको मजा आ जाएगा ना, लाइफ तो बस यही है कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम करवा दो। जीरो है, अब कितना कम करोगे सर, निगेटिव करवा दीजिए, ठीक है, जीरो से भी छोटा होता है ना निगेटिव, निगेटिव करवा दीजिए। निगेटिव करवाने के लिए तो तुमको आगे आना पड़ेगा, और बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा, निगेटिव तो यही है, इसीलिए यहां से इसको यहां आना पड़ता है, इसीलिए अट्रैक्ट होता है। कितना मजेदार कहानी कि पोटेंशियल एनर्जी से हम एकदम बेसिक सा बात सीखे कि प्लस और प्लस के बीच में रिपल्जन होता है एनर्जी। हम तो कितने गलती से बोलने वाले, अट्रैक्शन क्या, एकदम पूरा दिमाग ग्लो ग्लो हो गया, ज्यादा हो गया क्या, एकदम सिंपल सिंपल बात समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बस मिनिमम करवाने के लिए पूरा नौटंकी चल रहा है दुनिया में जी। ठीक है, और एक और बात क्या देखे कि है ना, आज तो बड़ा गजब गजब चीज ऑब्जर्व की है कि सेंट्रल फोर्स है तो क्यों इसी लाइन में फोर्स लगता है, इधर का ही लगता चाह रहा है, वो जल्दी से मिनिमम करवा दे। अरे पोटेंशियल एनर्जी एकदम तबाही चीज है, नहीं जी ये पूरा का पूरा लग रहा है यूनिवर्स को गाइड कर रहा है ना। तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्स भी कह सकते हो कि पूरी पोटेंशियल, जो केमिस्ट्री वालों को तो भाई खूब यूज होता होगा, फिजिक्स वालों को उतना यूज नहीं होता, वहां पर पढ़ते हैं सिस्टम की पोटेंशियल खूब कम करवा दो, इसीलिए रिएक्शंस हो रहे हैं, और कम करवा दो और रिएक्शन करवा दो, हर चाहता हर चीज चाहता है कि मेरी एनर्जी सबसे मिनिमम हो और मिनिमम हो और मिनिमम हो, जितना मिनिमम उतना स्टेबल, इसे पढ़ते हो ना, वही तो बात यहां पर भी है, कोई दिक्कत है छाप लो, अब कुछ बोलना नहीं है इसमें, कुछ समझ में नहीं आया होगा बता देना, है ना पटेल जी, क्लियर हो गया होगा, कुछ सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन, बस कॉपी पेन उठा और सवाल उठाना स्टार्ट करो, क्या कॉपी पेन उठाना है, सवाल उठाना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन है यही कि क्यू है, यहां पर क्यू है, यहां पर ये दोनों क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्यू है, ये दोनों क्यू है, इसीलिए यहां पर क्यों है, दोनों प्लस है, ठीक है दोनों ही प्लस है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा इस आर पोजिशन पे, क्या लिखेंगे, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बाय आर, यानी क्या हो गया, के
क्यू स्क्वायर बाय आर। क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, यहां पर है हमारा प्लस क्यू, यहां पर मान लेते हैं माइनस में क्यू है, यहां पर है आर डिस्टेंस, तब क्वेश्चन से क्या लिखोगे, माइनस लिखेंगे ना इस बार, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखेंगे, पहला चार्ज प्लस में है, दूसरा चार्ज माइनस में है, यहां पर साइन ले लेते हैं, सीखे थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में के क्यू का स्क्वायर बाय आर। क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे, कितना भारी वाली सवाल करवा रहा है सर, इतना भारी वाली सवाल, ये आ चुका है आईआईटी 2025 में, प्लस मजाक कर रहे सर, हम मजाक नहीं करते, पोटेंशियल एनर्जी आर जगह पे क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस टू क्यू अपॉन आर, तो माइनस में के क्यू का स्क्वायर टू के क्यू का स्क्वायर बाय आर, कितना भारी सवाल करवा रहे हैं सर, कितना भारी सवाल करवा रही है, पागल नहीं सर, क्वेश्चन नंबर थ्री काउंटिंग भी नहीं आता है सर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए सर, अब देखिए ध्यान से, हमारे पास तीन चार्जेस हैं, एक है क्यू, एक है क्यू और एक है क्यू, इसके बीच का लेंथ है एल, ये भी है एल और ये भी है एल, कर है इसका पोटेंशियल बताओ, हम निकाल रहे हैं इंटरेक्शन पोटेंशियल जी, हम एक काम करते हैं इंटरेक्शन करवाते हैं किस किस का, यानी बेसिकली पेयर बनाएंगे एक सिस्टम का, इस दोनों चार्ज को हम एक सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है, तो इस दोनों का नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, तो हम बोलेंगे इस चार्ज का इंटरेक्शन इससे भी है और इससे भी है ना, तो जहां यहां पर पोटेंशियल एनर्जी वो सिस्टम जो बनेगा वो क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ए सी, यानी कि ए का इंटरेक्शन बी से भी है और ए का इंटरेक्शन सी से भी है, उसी तरह से बी का इंटरेक्शन भी ए से है और बी का इंटरेक्शन सी से है, और सी का इंटरेक्शन बी से, जैसे समझा रहे हैं बात समझना, क्योंकि बड़े सवाल बनाते समय ये छोटा छोटा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सुनो मेरी बात को, ए का इंटरेक्शन बी से भी है और ए का इंटरेक्शन सी से भी है, समझ में आया, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी का इंटरेक्शन ए से भी है, बी का इंटरेक्शन सी से भी है, तो बी सी और बी ए हो जाएगा एक ये, और प्लस में फिर सी का इंटरेक्शन, देखो इंटरेक्शन देखना है सिर्फ, सी का इंटरेक्शन बी से भी है, सी का इंटरेक्शन ए से है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी ए प्लस एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी बी, ठीक है, इंटरेक्शन हम देख लिए, तीन चार्ज का छह से दिख रहा है हमको इंटरेक्शन, लेकिन कमाल का बात यहां पर ऑब्जर्व होगा कि ए का जो इंटरेक्शन बी से है और ए का इंटरेक्शन जो सी से है, तो जब हम यहां पर तो ठीक ठाक था, लेकिन जो बी सी है ये भले यूनिक है, लेकिन बी ए तो वही है जो कि ए सी का, ए बी का, देखो ए बी का जो इंटरेक्शन है वही तो हम बी ए का इंटरेक्शन बोल रहे हैं, यानी ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है, उसी तरह से जब सी ए बोल रहे थे या ए सी बोल रहे थे, बात तो सेम है ना, वही इंटरेक्शन तो बन रहा है, इसी दोनों का इंटरेक्शन तो बन रहा है इस कंडीशन में, अब फिर वही ये बेसिकली तीन ही इंटरेक्शन बन रहा है फाइनली हमको, यानी ये भी किसी काम का नहीं और ये भी किसी काम का नहीं, ये तो आइडेंटिकली ऊपर में लिख चुके हैं, समझ में आ गया बात, तो इंटरेक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं, इस दोनों का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, के क्यू का स्क्वायर बाय एल, फिर इस दोनों का के क्यू का स्क्वायर बाय एल प्लस में के क्यू का स्क्वायर बाय एल, तो क्या हो गया, थ्री टाइम्स ऑफ के क्यू का स्क्वायर बाय एल, दैट्स द आंसर, क्वेश्चन नंबर फाइव, देखो ध्यान से, और इनके बीच का डिस्टेंस है ए दिया हुआ, इंटरेक्शन देखेंगे, एक इंटरेक्शन दिख रहा है इसका, फिर इसका इससे दिख रहा है क्या, फिर उसी तरह से इसका इससे वाला काउंट तो नहीं करेंगे, तो टोटल कितना इंटरेक्शन बनेगा, देखो ध्यान से, एक तो ये दोनों का इंटरेक्शन बनेगा, फिर एक इन दोनों का बनेगा इंटरेक्शन, फिर एक इन दोनों का इंटरेक्शन बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर एक इस दोनों का बनेगा ऐसे, और फिर इसका ऐसे बनेगा, है ना, टोटल तो छह पेयर दिख रहे हैं हमको, दिक्कत है, तो हम क्या लिख सकते हैं, के बस खाली इंटरेक्शन देखते जाओ कितना कितना आ रहा है, के क्यू क्यू यानी कि के क्यू का स्क्वायर अपॉन ए, यहां पे ए भी डिस्टेंस है, प्लस में ऐसा तो चार हो जाएगा क्या जी, तो फोर टाइम्स कर लेते सीधा, प्लस में ऐसा और ऐसा वाला दो हो जाएगा, तो टू टाइम्स ऑफ के क्यू का स्क्वायर बाय ए रूट टू, ऐड कर लेना, यहां से दिख रहा है
टू के क्यू का स्क्वायर बाय ए, है ना, तो यहां हो गया टू प्लस वन अपॉन रूट टू आंसर। तो दिक्कत पोटेंशियल एक सिस्टम का अज्ञात छाप लो। मान लो कि हम एक नंबर लाइन बना रहे हैं और इस पर कुछ चार्ज को रखे हैं, क्यू चार्ज यहां पर रखे हैं, यहां पर माइनस में क्यू चार्ज रख दिए, यहां पर प्लस में क्यू चार्ज रखे हैं, फिर यहां पर माइनस में क्यू चार्ज रखे हैं, यहां पर प्लस में क्यू चार्ज रख दिए, यहां पर माइनस में क्यू चार्ज, यहां पर प्लस में क्यू चार्ज, फिर माइनस में क्यू चार्ज, और इस तरह से करके ये इन्फिनिटी तक चला गया है और इधर भी ये इन्फिनिटी तक चला गया और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ ए दिया हुआ, कह रहा नेट इसका इंटरेक्शन पोटेंशियल ही बता सकता होगा। इधर के स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं हम इस वाले को स्टार्ट करते काउंटिंग, है ना, यहां से तो पोटेंशियल ही लिख रहे हैं यहां से यू, बहुत सारा चार्ज सबका लिखना पड़ेगा एक करके इंटरेक्शन, तो कैसे कैसे लिखे ध्यान से देखना, इसका इसके साथ में इंटरेक्शन होगा, अरे उसमें इसका इसके साथ में इंटरेक्शन होगा, क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए लेकिन निगेटिव में, इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में भी होगा, के क्यू का स्क्वायर बाय ए, के क्यू का स्क्वायर बाय ए, इसका नहीं समझ रहा, इसका इसके साथ में होगा, इसका इसके, यानी जो इसका इंटरेक्शन आने वाला है उसका इंटरेक्शन इधर भी आने वाला है, यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस में टू टाइम्स ऑफ इतना, इसका इसमें हो गया, इसका इसके साथ में हो गया, अब इसका इसके साथ में देखेंगे तो के क्यू का स्क्वायर बाय टू ए हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया टू ए, और यही इंटरेक्शन एनर्जी इधर भी दिखेगा, है ना, तो फिर से लिखेंगे इसको प्लस में टू टाइम्स ऑफ के क्यू का स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस, अब इसका इसके साथ में देखते हैं ना, देखा समझ रहे हो, इसका इसके साथ देख लिया, फिर इसका इसके साथ देख लिया, फिर इसका अब इसके साथ देख रहे हैं, यानी कि माइनस आ जाएगा, तो माइनस में टू के क्यू का स्क्वायर बाय थ्री ए, तो आई थिंक ऑब्जर्व हो गया होगा एक सीरीज बनेगा इस तरह से, क्या क्या बनेगा, एक प्लस में टू के क्यू का स्क्वायर बाय फोर ए बनेगा, माइनस में टू के क्यू का स्क्वायर बाय फाइव ए बनेगा, और इस तरह से करके इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, इसलिए इनफिनाइट सीरीज बन जाएगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो काम करते हैं माइनस में टू के क्यू का स्क्वायर बाय ए कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस में टू के क्यू का स्क्वायर बाय कॉमन निकाल लेते, हर जगह दिख रहा है, तो यहां से तो बाहर आ गया था, यहां बचेगा वन, यहां बचेगा माइनस, क्योंकि हम ऑलरेडी माइनस निकाल चुके हैं, टू वगैरह सब निकाल चुके हैं, यहां बचेगा वन अपॉन टू, यहां बचेगा वन अपॉन थ्री, यहां बचेगा वन अपॉन फोर, यहां बचेगा वन अपॉन फाइव अप टू इन्फिनिटी। अब इस सीरीज को सॉल्व कर लोगे मजा आ जाएगा, नहीं पता है फॉर्मूला देखो ध्यान से, लॉन वन प्लस में एक्स का एक फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस में एक्स का स्क्वायर बाय टू प्लस में एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस में एक्स और फोर बाय फोर, इस तरह से इन्फिनिटी जाता है, ठीक, ये याद रख लो, लॉगरिथमिक एक्सपेंशन कहा जाता है इसको, याद रख लो, ठीक है, बहुत यूज होता है, जितने सारे एक्सपेंशन सीरीज हैं भाई याद कर लो, मेडिकल वालों के लिए तो अगर याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो बहुत बड़ा बाउंडर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि तुम लोग से पूछेगा नहीं क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं हो तुम लोग, ओके, अगर हम मान लें एक्स का वैल्यू वन मान लें तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, एल एन टू बराबर क्या हो जाएगा वन माइनस में वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री माइनस वन अपॉन फोर, क्या यही बन रहा है क्या, ये ना रहा है, देखो है ना सवाल है, ये लॉन टू हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस में टू के क्यू का स्क्वायर ए एल एन टू, दैट्स योर आंसर, ठीक है, तो आज भर के लिए हम इतना ही रख रहे हैं इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी का पूरा डिटेल्ड स्टडी कर लिए हैं, नेक्स्ट में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं तब मजे आएंगे, तब तक के लिए बाय।